वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको एक न्यू कस्टम रोम के बारे में बताने वाला हूँ, रेडमी नोट 5 प्रो में। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल जैसे कि स्पेसिफिकेशन के अंदर आपको जो कि एक मॉडल का नेम आता है रेडमी नोट 5 प्रो, जो अभी ये चाइना वेरियंट है, इसके लिए यहाँ पर रेडमी नोट 5 आपको यहाँ पर दिखाई देता है। और जो कि MIUI वर्जन है आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि MIUI 10 आपको यहाँ पर मिल जाता है और Android 9 Pie इसके अंदर आपको मिल जाता है, जो कि सिक्योरिटी पैच मिलता है 1 जून का। और इसके अंदर जो कि परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू MIUI 10। यहाँ पे आपको इसके अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। जो कि रोम का नेम आता है यहाँ पे आप देख सकते हो मैसिक MBD 6.0, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस रोम में आपको क्या क्या मिलने वाला है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 12 4G VoLTE भी इसके अंदर वर्क करता है, और जो कि यहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट्स और जैसे कि वाईफाई दोनों एक ही टाइम वर्क करता है। उसके बाद जो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है वो बताओ, तो डिस्प्ले के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ब्राइटनेस लेवल यहाँ पे आप जो है कंट्रोल कर सकते हो, रीडिंग मोड, और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि आप जो है कंट्रास्ट और कलर्स यहाँ पे आप जो है कंट्रोल कर सकते हो। तो कूल टोन, वार्म टोन, स्टैंडर्ड आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद जो है देख सकते हो मैक्सिमम ब्राइटनेस ड्यूरिंग कॉल्स यहाँ पे आप कर सकते हो। डार्क मोड भी आप यहाँ पे रख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डार्क मोड आपको यह होना तो आप यहाँ पे डार्क मोड भी रख सकते हो। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम फाउंड आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद जो है देख सकते हो जैसे कि टैप फिंगरप्रिंट सेंसर टू वेक, यहाँ पे आप देख सकते हो डबल टैप टू स्क्रीन वेक और डबल टैप टू लॉक स्क्रीन, जैसे कि आपका जो डिवाइस है लॉक हो जाएगा। डबल टैप टू लॉक ऑन लॉन्चर यहाँ पे आप देख सकते हो वो भी इसके अंदर मिल जाता है। ऑटोरेशन रोटेशन, उसके बाद जो है रेस टू वेक आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिस्टम एनिमेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। वॉलपेपर यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। थीम का ऑप्शन भी मिल जाता है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो एज़ कम्पेयर टू MIUI 10 मुझे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा ये रोम लगा। यहाँ पे आपको स्क्रीन जो रिंगटोन है वो भी चेंज मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिंगटोन है यहाँ पे आपको चेंज मिलता है एज़ कम्पेयर टू MIUI 10। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों मिल जाता है। तो मैं अभी फेस डेटा यहाँ पे इनरोल कर लेता हूँ। मैंने फेस डेटा यहाँ पे इनरोल कर लिया हूँ। आपको यहाँ पे फेस अनलॉक यहाँ पे जैसे कि टेस्ट करके बता देता हूँ। फेस अनलॉक यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट आपको यहाँ पे होम स्क्रीन देखने को मिलता है, उसके बाद जो अनलॉक हो जाता है। और फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पे टेस्ट करके बता देता हूँ, जैसे कि फिंगरप्रिंट ओके आपको लॉक स्क्रीन ही देखने को नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो फिंगरप्रिंट एज़ कम्पेयर टू MIUI 10 यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे फास्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आपको MIUI 10 में नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो स्लिप टाइम आपको यहाँ पे ओके नेवा का भी ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग मिल जाता है। ओके, यहाँ पे वेक जैसे कि विथ वॉल्यूम बटन्स आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स मिल जाता है। इसके अंदर आपको थोड़े बहुत यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं और थोड़े बहुत कंट्रोल भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फुल स्क्रीन डिस्प्ले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे की को जो है यहाँ पे जैसे कि कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ओके स्टोरेज, गूगल, एडिशनल सेटिंग्स, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको बताऊँ तो इसके अंदर आपको कैमरा टू एपीआई एनेबल मिलता है कि नहीं मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कैमरा टू एपीआई इसके अंदर आपको ऑलरेडी एनेबल मिलता है, एनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। और रूट एक्सेस की बात करो तो इसके अंदर आपको रूट एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी रूट एक्सेस इसके अंदर आपको मिल जाता है, तो रूट करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे एंटीडोट बेंचमार्क्स की बात करो तो इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंटीडोट बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू MIUI 10। आपको उसके अंदर 1,15,000 तक देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 1,21,000 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, जो कि आपको इसके अंदर परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। अब 4K रिकॉर्डिंग भी आपको इसके अंदर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको मैं चेक करके बता देता हूँ, जैसे कि कैमरा के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो 4K रिकॉर्डिंग भी मिल जाता है 30 फ्रेम्स पर सेकेंड में, और इसके अंदर गूगल कैमरा का भी सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो कि पबजी के अंदर है हाई ग्राफिक का सपोर्ट भी मिल जाता है और HD फ्रेम रेट का आपको यहाँ पे सपोर्ट भी मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जैसे कि आप पबजी में लैग फ्री इसके अंदर प्ले कर सकते हो। और मुझे तो कोई भी यहाँ पे लैग देखने को नहीं मिला पबजी के अंदर, जो कि यहाँ पे ग्राफिक है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
और यहाँ पे बैटरी बैकअप जो है आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि बैटरी परफॉर्मेंस पे, बैटरी यूसेज, और यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको क्या क्या यहाँ पे यूज़ होता है यहाँ पे आपको बता देता है। और यहाँ पे यूज़ अडेप्टिव बैटरी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिलता है, जैसे कि एक्सट्रीम बैटरी सेवर का ऑप्शन भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, जो कि ऑप्शंस नहीं मिलता है MIUI में, जो कि आप ग्लोबल स्टेबल में यूज़ करते हो। तो यहाँ पे AI प्री लोडिंग भी आपको इसके अंदर ऑप्शंस मिल जाता है। और बैटरी पावर यहाँ पे आप देख सकते हो, बैलेंस और यहाँ पे परफॉर्मेंस भी आप रख सकते हो। तो बहुत सारा यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन भी मिल जाता है, और जो बैटरी बैकअप है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप मिलता है, जैसे कि आप बैटरी को यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। रोम अगर आपको यूज़ करना चाहते हो अच्छा रोम, जो कि आपको पबजी में अच्छा प्ले कर सके, जैसे कि पबजी में आपको यहाँ पे लैग ना हो, तो ये रोम आपके लिए बनाया गया है। और कमेंट करके मुझे बताइए जैसे कि ये रोम कैसा है, और आपको पबजी प्ले करने टाइम पे आपको रैंग होता है कि नहीं होता है। मैंने तो पबजी इसके अंदर प्ले किया, मुझे तो ऐसा कोई लैग देखने को नहीं मिला। और अगर आपको ये रोम इंस्टॉल करना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में रोम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फ्लैश कर सकते हो वाया TWRP। आप TWRP से भी फ्लैश कर सकते हो, कौन सा भी आपका रिकवरी हो उसे आप फ्लैश कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।